यूरोप में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इस बार तेजी का कारण डेल्टा वेरिएंट है। ये वेरिएंट पहली बार भारत में मिला था। यूरोपीय यूनियन की मेडिकल एजेंसी ने जानकारी दी है कि यूरोप में कोरोना के 90% नए मामले डेल्टा वेरिएंट से संबंधित हो सकते हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने कहा है कि बहुत संभव है कि इन गर्मियों में डेल्टा वेरिएंट का बुरी तरह प्रसार हो, विशेष तौर पर युवाओं में जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। एजेंसी ने कहा है कि नया डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। हमारा अनुमान है कि अगस्त महीने के आखिरी तक यूरोप में 90% मामले इसी वेरिएंट से संबंधित होंगे। एजेंसी का अनुमान है कि डेल्टा वेरिएंट अपने पूर्ववर्ती अल्फा वेरिएंट से 40 से 60 गुना अधिक संक्रामक हो सकता है। ये चेतावनी भी दी गई है कि कोरोना के मामले बढ़ने के साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। मेडिकल सिस्टम पर बोझ एक बार फिर बढ़ सकता है, साथ ही नए वेरिएंट के प्रभाव की वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बता दें कि भारत में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन डेल्टा प्लस के केस मिलने लगे हैं। हालांकि इनकी संख्या अभी बेहद कम है, लेकिन मंगलवार को भारत सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। साथ ही देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर इस वेरिएंट के खिलाफ सतर्क रहने को आग्रह किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।